अच्छी आदतें। दिन में कम से कम दो बार पौष्टिक आहार लेना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद अपने अपने हाथों को साफ करो। खाना खाते समय बात मत करो। खाना के समय अपना मुंह न खोलो। खाना धीरे धीरे चबा के खाओ। खाने के साथ पानी मत पियो। खाने के छोटे छोटे टुकड़े करके खाओ और निगलने से पहले अच्छी तरह चबाओ। एक ही साथ ज्यादा खाना ना खाओ। शौचालय जाने के बाद, बाहर से खेल के आने के बाद और खाना खाने के पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। नियमित समय के बाद अपने नाखून काटें। अपने बालों में रोजाना कंघी करो। नियमित ढंग से अपने बाल काटें। रोजाना शौचालय जाना चाहिए। सिर्फ वॉश बेसिन में थूको और बाद में उसे पानी से साफ करो। दिन में दो बार दांत साफ करो। रोजाना अच्छे से नहाना चाहिए। नियमित ढंग से अपने हाथ साफ करो। रोजाना साफ सुथरे कपड़े पहनो। अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां शामिल करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। छींकते समय मुंह पर रुमाल रखो। भोजन से पहले प्रार्थना कीजिए। ज्यादा नजदीक से टीवी नहीं देखो। टीवी देखते समय योग्य अंतर रखिए। घर का कार्य समय पर पूरा करो। माता पिता की घर के काम में मदद कीजिए। ज्यादा पानी नहीं फैलाओ। पानी लेने के बाद नल को अच्छी तरह बंद करो। पेड़ लगाओ और उसकी निगरानी रखो और हर रोज पेड़ को पानी दो। दूसरों की मदद करो। उन्हें क्या चाहिए उसका ध्यान रखो। सिर्फ अपने बारे में ना सोचो। मेज पर हाथ रखकर मत बैठो। सबके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करो। अपना काम स्वयं करो। किसी के नाम का मजाक मत बनाओ और चिढ़ाओ नहीं। अनजाने व्यक्ति से दूर रहो। दीवारों और सार्वजनिक वस्तुओं को खराब मत करो। कचरे को कचरे के डिब्बे में डालो। सार्वजनिक जगह पर गलत व्यवहार मत करो। जानवरों को तंग मत करो। असहाय, अपंग और मददगार व्यक्तियों की मदद करो। हमेशा विनम्र, ईमानदार और सच्चा बनो। घर में जाने से पहले घंटी बजाओ। सुबह रोजाना जल्दी उठो। रात में ज्यादा समय तक मत जागो। घर पर आए मेहमानों का प्यार से स्वागत और आदर सम्मान करो। अपने शिक्षक का आदर करो। स्कूल के नियमों का पालन करो। स्कूल के दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रोजाना स्कूल जाओ और कक्षा में ध्यान रखो। अगर तुम्हारे साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो उसकी शिक्षक से शिकायत करो। दिन में कम से कम एक बार शिक्षक से शाबाशी लो। दीवार, डेस्क और बोर्ड को खराब मत करो। अपने खिलौनों का सबको इस्तेमाल करने दो। खेलने के बाद खिलौनों को उनकी जगह पर रखो। खेलने की जगह पर कुछ मत खाओ। रोजाना व्यायाम करो और मैदानी खेल खेलो।